कांसा एक धातु होती है जिसको कई जगह फूला भी बोलते हैं, फूल या फूला भी बोलते हैं। वो बहुत पवित्र धातु मानी जाती है। उसमें सबसे ज्यादा टिकाऊ द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। उसे कांच में भी स्टील में भी टिकाऊ होता है, लेकिन स्टील को कई लोग लौह मानते हैं, इसलिए उसे पूजा में नहीं लेते। लेकिन कांसा को शास्त्र सम्मत माना गया है, इसलिए वो भगवान के भोग के लिए भी उत्तम है और प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी उत्तम माना जाता है। तांबे का जो बर्तन होता है उसमें खाद्य पदार्थ नहीं रखा जाता है, न उसमें भोग लगाया जाता है। वो भगवान के स्नान के लिए सर्वोत्तम है, स्नान के लिए सर्वोत्तम है ताम्र पात्र। और उसके अलावा उसमें पुष्प रख सकते हैं, तुलसी रख सकते हैं, इस तरह से भगवान की सेवा में लिया जाता है। जल उसमें रख करके पीने के लिए भी, भगवान के भोग के लिए भी सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। ताम्र पात्र का जल गंगा जल के सदृश बताया गया है। तो स्नान कराने के लिए, जल पीने के लिए, तुलसी के लिए, फूल के लिए उसका उपयोग होता है ताम्र पात्र का। खान के लिए, मतलब खाने के लिए नहीं होता है, खाद्य पदार्थ उसमें नहीं रखना चाहिए। पेय पदार्थ भी गोरस नहीं रखना चाहिए, जल तो रखना ही है लेकिन दूध नहीं रखना, दही भी नहीं रखना। खाद्य पदार्थ नहीं रखना कोई भी है, और पेय पदार्थों में केवल जल रखना। तांबे की बात यह रही। भोग के लिए ताम्र पात्र को नहीं प्रयोग करते, भोग लगाने की वस्तु खाद्य वस्तु नहीं रखते। चांदी के बर्तन में, स्वर्ण पात्र में, रजत पात्र में, और नहीं तो कांसा का बर्तन हो। कांसा का नहीं होगा तो पीतल का थोड़ी देर के लिए प्रयोग करते हैं, पेय पदार्थ नहीं। वैसे कांसा, चांदी, सोना यही सर्वोत्तम भोग के लिए होता है। भगवान को बैठाने के लिए जो सिंहासन आदि होते हैं वो चांदी के, सोने के और कांसे के अच्छे माने जाते हैं। यदि ये नहीं मिल सकता है तो किसी भी जो शुद्ध समझ में आता हो, जैसे कोई मिट्टी का बना हुआ हो, कोई भी मिट्टी जो किसी तीर्थ की मिट्टी हो, उसमें भी बैठा सकते हैं। किसी भी तीर्थ की, जैसे नवद्वीप की, वृंदावन की, अयोध्या जी की, मिट्टी का बना हुआ सिंहासन हो उसमें भी बैठा सकते हैं, लेकिन उसकी संभाल बहुत करनी पड़ती है। पीतल के भी पात्रों में भगवान को विराजमान किया जाता है, और तुलसी और फूल भी रखा जाता है। भोजन यदि रखना हो तो पहले पीतल के पात्र को अच्छी तरह से मांज कर सफाई के साथ तब प्रयोग करना चाहिए, बाद में फिर उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। राधे राधे।